कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने हमीरपुर से नामांकन भर दिया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर भी उपस्थित थे। इसके बाद कांग्रेस ने हमीरपुर के पुलिस ग्राउंड में एक विशाल रैली का आयोजन किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले कल मंडी से विक्रमादित्य और कांगड़ा से आनंद शर्मा ने नामांकन पत्र भरा है तथा आज हमीरपुर से एक ऐसे नेता को टिकट दिया गया है जो NSUI और कांग्रेस से होता हुआ यहां पर पहुंचा है। 7 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल हमारा नामांकन मंडी में था, विक्रमादित्य जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांगड़ा में था, आनंद शर्मा जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और हमीरपुर से हमने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो कांग्रेस की राजनीतिक पृष्ठभूमि से, NSUI से, युवा कांग्रेस से होता हुआ यहाँ पहुँचा है। एक साधारण परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो लोगों की समस्याओं को सुनकर विधायक भी बना और अब हमें आशा है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता एक बार 26 साल के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेगी, ऐसा हमारा आशा है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सशक्त उम्मीदवार को यहां से टिकट दिया है। आज हमारे यहां से सशक्त कैंडिडेट रायजादा जी को टिकट मिला है, इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। आज इनका नॉमिनेशन था और अब हम जनसभा में जा रहे हैं तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि इस बार यहाँ के लोग इनको अपना वोट एंड सपोर्ट करें और हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतें। वहीं सतपाल रायजादा ने कहा कि उन्हें सबके समर्थन का फायदा मिल रहा है तथा वे निश्चित तौर पर इस सीट से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि 16.5 साल से अनुराग ठाकुर यहां से 4 बार जीते हैं तथा जनता में रोष है और जनता में रोष है कि वे जनता तक नहीं पहुंचे। उन्होंने संसद में हिमाचल की आवाज नहीं उठाई। निश्चित तौर पर फायदा होगा और निश्चित तौर पर हम ये सीट भी जीतेंगे क्योंकि पिछले आप देखिए कि 16.5 साल से तो अनुराग जी ही जहाँ से है, 4 दफ़ा वो जीते हैं और जनता के बीच में एक रोष है कि वो जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं और संसद में भी उन्होंने कभी भी जो है हिमाचल की बात नहीं उठाई और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात नहीं उठाई, चाहे वो आपदा की बात हो या और बातें हों। उन्होंने जब भी हमने TV पर हमेशा गांधी परिवार को कोसते ही नज़र वो आए हैं और नमो नमो करते नज़र आए हैं। तो बात वही है कि आप अगर संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से जीत कर गए हैं तो आपने हिमाचल के हितों की रक्षा क्यों नहीं की, ये जनता साक्षात पूछेगी।